भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला अब कुछ दिनों में शुरू होने वाला। जहां गाइस इस वीडियो में बातचीत करने वाले कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट मुकाबले में किस प्रकार से रह सकती है। लेकिन गाइस दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय टीम को यहां पे दो बड़े झटके लग चुके हैं। जी गाइस, भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और केएल राहुल दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। जी हां गाइस, इससे पहले रविंद्र जडेजा को तो कंफर्म था कि जडेजा आपको दूसरा टेस्ट मुकाबला यहां पर मिस ही करते हुए दिखेंगे। लेकिन गाइस अब इसमें एक और प्लेयर का एड ऑन हुआ। जी हां गाइस, आप इसमें केएल राहुल भी आपको दूसरा टेस्ट मुकाबला मिस करते हुए दिखेंगे। जी हां गाइस, भारतीय टीम को यहां पे दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले यहां पे दो बड़े झटके लग चुके हैं। जब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और भारतीय टीम के जबरदस्त ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आपको दूसरा टेस्ट मुकाबला यहां पर मिस करते हुए दिखेंगे। जी हां गाइस, बहुत बड़ी न्यूज सामने निकल कर आ रही। दोनों प्लेयर्स की यहां पे रिप्लेसमेंट भी आ चुकी। जहां गाइस सरफराज खान और सौरभ कुमार को यहां पे रिप्लेस किया गया है रविंद्र जडेजा और केएल राहुल से। जी हां गाइस, सरफराज खान कंटिन्यूअसली डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। गाइस फाइनली यहां पे सरफराज खान को टीम में मौका मिल चुका है। चलिए ऐसे में देखते हैं कि भारतीय टीम की यहाँ पे दूसरे टेस्ट मुकाबले में किस प्रकार से प्लेइंग 11 रहेगी। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। कि आप क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां गाइस, हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। सो गाइस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब इन्हें तरीके जानते हैं कि भारतीय टीम की यहाँ पे प्लेइंग 11 किस प्रकार से रह सकती है इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में। आपको एक बार फिर से यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाली देखने को मिलेंगे। वहीं गाइस नंबर 3 पर शुभमन गिल को एक बार फिर से यहाँ पे टीम ट्रस्ट दिखाने वाली और एक बार फिर से यहाँ पे मौका देने वाली। जहां गाइस ये हो सकता है कि शुभमन गिल को टीम एक लास्ट मौका दे। यदि गाइस वो इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है कि टीम उनको बोले कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए, वहां से फॉर्म लाइए, फिर आपको दोबारा से टीम में एंट्री मिलेगी। नंबर 4 पर यहाँ पे डेब्यूटेंट यहाँ पे डेब्यू करने वाले हैं रजत पाटीदार। जी हां गाइस, नंबर 4 पर आपको केएल राहुल की गैर मौजूदगी में यहाँ पे रजत पाटीदार खेलते हुए दिखेंगे। जी हां गाइस, कुछ अटकलें लगाई जा रही कि यहाँ पे सरफराज खान खेलेंगे, लेकिन गाइस आपको ये देखना पड़ेगा कि सरफराज खान पहले स्क्वाड में नहीं थे, उनसे पहले यहाँ पे रजत पाटीदार स्क्वाड में थे। तो गाइस ऐसे में यहाँ पे पहले मौका रजत पाटीदार को ही मिलने वाला है। रजत पाटीदार इस कैलिबर के खिलाड़ी, अगर एक बार उनके बल्ले से गेंद कनेक्ट होने लगी तो गाइस ये खिलाड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। बहुत कैलिबर का यहाँ पे रजत पाटीदार खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। नंबर 5 पर यहाँ पे श्रेयस अय्यर, हो सकता है कि रजत पाटीदार 5 और श्रेयस अय्यर नंबर 4 ये टीम अपने हिसाब से देख सकती है। जहां गाइस नंबर 5 नंबर 6 पर आपको यहाँ पे अक्षर पटेल देखने को मिलेगी। जहां गाइस रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है तो ऐसे में अक्षर पटेल का रोल यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि बातचीत की जाएगी नंबर 7 पर तो गाइस नंबर 7 पर आपको एक बार फिर से यहाँ पे केएस भारती देखने को मिलेगी। जहां गाइस सरफराज खान यहाँ पर भी उनकी जगह नहीं बनती है। नंबर 8 पर आपको सरफराज खान या वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक को मौका मिल सकता है। जहां गाइस मोहम्मद सिराज का उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। जहां गाइस आप एक ही पेसर के साथ यहां पे टीम जा सकती है, इंग्लैंड की थ्योरी यहां पे अपना सकती है भारतीय टीम। जहां गाइस यहां पे इन पिचों पे ज्यादा यहां पे स्पिनर्स का ही फायदा हो रहा, तो गाइस ऐसे में हो सकते हैं कि यहां पे वाशिंगटन सुंदर को मौका मिले। यह टीम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ जाना पसंद करे तो टीम सरफराज खान को मौका दे। इससे 9वें नंबर पर आपको एक बार फिर से यहाँ पे रविचंद्रन अश्विनी देखने को मिलेंगे। गाइस नंबर 10 पर आपको एक बदलाव होता हुआ दिख सकता है। जहाँ गाइस कुलदीप यादव यहाँ पे आ सकते हैं। जहाँ गाइस कुलदीप यादव की यहाँ पे जगह बन सकती है, कुलदीप यादव भारतीय टीम में दोबारा से वापसी कर सकते हैं टेस्ट फॉर्मेट में। नंबर 11 पर एक बार फिर से यहाँ पे टीम बुम बुम बुमराह के साथ उतरेगी। इस प्रकार से भारतीय टीम की यहाँ पे प्लेइंग 11 रह सकती है दूसरे टेस्ट मुकाबले में। गाइस ये लगभग इसी प्लेइंग 11 के साथ यहाँ पे भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में उतर सकती है। सो गाइस फिलहाल हमारी वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी। गाइस अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हमारी इस वीडियो को करें एक लाइक। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।